तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। जैसे कि हमारे हाथ में ये देख रहे हैं क्या है, आप लोगों को थोड़ा मोड़ा पता ही होगा, जैसे कि ये लकड़ी काटने वाली मशीन है। तो आज हम इसका टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कैसे काटता है। तो हमारे साथ में सचिन भाई, आकाश, विनोद, बुआ, इधर छोटे छोटे बच्चे, और चलते इसका देखते हैं काटने में कितना आराम देता है और कितना लाभदायक है, और मतलब ज़्यादा टाइम को कम टाइम में काटने वाला ये हथियार है। तो चलिए आज लकड़ी काट के दिखाते हैं आपको, और जिसको भी लकड़ी काटवाना है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा। काट जाएगा अभी ना तो उन्हीं काट देंगे तुम्हारा भी। इधर अच्छे से साफ सफाई हो रही है, इसकी पेट्रोल बहा दे रहा है इसका मोबिल। सबसे पहले इस लकड़ी काटने वाली मशीन में पेट्रोल डाला जाता है और पेट्रोल इसमें पड़ रहा है सचिन भाई, और फिर इसके बाद मोबिल पड़ता है इसमें। तो देखिए दोनों ऐसा जल्दी बंद कर। लगभग यहाँ फूल हो गया टैंक इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं टैंक होता है, आधा लीटर, और लगभग आधा लीटर का टैंक होता है काटने का, आधा लीटर। और इसमें अब इधर फ्यूल अप वाला है जिसमें जो इसमें मोबिल पड़ता है, तो मोबिल काफ़ी दिन का पुराना लग रहा है। नई मोबिल डाल करते थे, नई मोबिल क्यों नहीं डाल रहा भाऊ? किस चीज़ का मोबिल है ये मोबिल किसी भी चीज में पड़ जाता है भैया। नहीं पता है तो ये इसका ब्लेड है, आप लोग देख सकते हैं ब्लेड बहुत ही खतरनाक वाला है। तो आज काट के दिखाते हैं आप सभी को। जिसको भी लकड़ी वगैरह कटवाना है तो सचिन भाई से संपर्क ले लीजिएगा, हम कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, और इधर आसपास जितने भी लकड़ी वगैरह कटवाना हो तो आके कटवा सकते हैं, पैसा कंडीशन में मिल जाएगा अच्छे खासे में। और चलो भाई स्टार्ट करता है। ए भाई ए गोड़ उधर हट, अरे छोड़ रहे बे, स्टार्ट कर बे। ए भाई देखो ये इसकी गांठ फट गई, चलाते चलाते स्टार्ट करते करते। ए सचिन भाई गोड़ डाले भाई, यहाँ पे सचिन भाई आ गया है। अब एक जाने की तो हालत खराब हो गई, चालू करते करते उनकी फट गई है, पूरा नीचे से ऊपर तक फट गई है। अब सचिन भाई देखते हैं क्या होता है, काम में कर पाते हैं नहीं कर पाते। चलो हुआ नहीं हो रहा था, तब इसको खोल के हम लोग इसका चेकअप कर रहे हैं कि देखिए कहाँ गड़बड़ है। चर्रा लोग वीडियो डाल देते हैं, प्रशासन आ रही है। लकड़ी कटने के बाद यहाँ पे रस पानी चल रहा है, काफी झगड़ी झगड़ा हुआ है यहाँ पे। रस काम आई दा माई रस दाता हूँ ले गिलास। तो भैया लकड़ी वगैरह सब तो कट कट गया है, हाथ का देख रहे क्या हाल हुआ है। भाई लोग देखो साथ में थे, सभी लोग मिल के गए लकड़ी कटवा दिए, बस एक काम और रह गया उसको ढोना है। तो जा रहे हैं हम लोग ठेला लेके आते हैं, उसको ढो देते हैं, फिर शाम को हम लोग चिकन उकन मनाएंगे बढ़िया तरीके से। और काफी मजा आ रहा था लकड़ी काटने में, और दिखाते हैं आपको। तो भाई ये यार आपको रोते हुए लग रहा होगा, बट रो नहीं रहे, मुंह बना रहे।
यहाँ पे देखिए मुर्गा बना रहे हैं हम लोग, तो धुआं इतना भयंकर लग रहा है ना, इसकी वजह से हालत ख़राब हो रहा है। बोले तो चिकन बना रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों बोल रहे हैं। फिलहाल इधर छोटा सा मसाला तैयार हो गया है और ये बड़ा मसाला है, ये पचफोरन वगैरह सब कुछ है और काफ़ी लोग हैं। सनी भाई इधर है और ये कल्लू बाबू इधर है, चाचा उधर है। बहुत भयंकर धुआं हो रहा है। रुके, हम लोग लकड़ी काटे हैं और लकड़ी काटने के पार्टी हम लोग की है और पार्टी में बहुत जोर लोग हैं और इसमें से बहुत कम लोग अभी आए हैं, तो इधर हम लोग छोटे बच्चे तीसरा चक्कर है। थोड़ा सा भून लिए हैं बढ़िया से, इसको थोड़ा सा जल जाए जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो प्याज वगैरह बढ़िया से एकदम जो थोड़ा थोड़ा रेड होने लगे तब उसके बाद चिकन डालें, फिर चिकन को बढ़िया से भूनें। तो जब आपको लगे कि पचफोरन पूरा बढ़िया से भून गया है तो चिकन डालें और इसको फिर से भूनें बढ़िया से एकदम तरीके से। पानी लिया तो भाई तरह से तरफ चिकन बन रहा है, एक तरफ इधर लिट्टी के बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसे लिट्टी बोलते हैं हम लोग, इसे भौरी बोलते हैं। तो इधर अंधेरे में काम चल रहा है, लाइट थी, मौसम ख़राब की वजह से लाइट चली गई है, तो इसको बनाते हैं और मिलते हैं फिर खाने पे डायरेक्ट। इधर हमारा चिकन तैयार हो गया पूरा बढ़िया से और इसमें धनिया डाल रहे हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। फूल पत्रिका मार रहे हैं इसमें। तो भैया इधर लिट्टी बनाने के लिए सब कुछ रागी तैयार हो गई है और इतना भयंकर धूप लग रहा है कि धूप में हालत खराब हो गई है हमारी। अरे धूप, सॉरी धूप नहीं, धुआं लग रहा है। इधर लिट्टी है, अब इसको लाइन से रखना है, इसको तैयार करने के लिए रख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि एक तरफ से जो लिट्टी एक तरफ से सूख जाती है, मतलब जो थोड़ा थोड़ा रेड हो जाती है तो उसको पलटी मार दिया जाता है और इधर जो नई नई रखा जाता है बस इसको थोड़ा थोड़ा टाइट हो जाती है तो इसको पलट दिया जाता है। तो आज बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से आपको बता रहे हैं। और प्रभाकर भाई इधर भौरी सरिया रहा है बढ़िया से, तो इतना धुआं देख सकते हो कितना तगड़ा है। फिलहाल इसको बनाते हैं और ये आनी पानी में इधर आम लोग खाते हो देखा, एक और आनी पानी आ रहा है, एक और आम खरीद चक्कर में और एक उधर इतना धुआं में क्या पता नहीं कैसे रह रहा है और हम लोग इसको देख रहे हैं भाई जल रहा है यार। सब मुर्गा का नशा है, अब भाई ने रखा जब उधर के ना वीडियो बनावत था जोर भोरी खा ले हरियम फेकाई। हां भतवाली और सुनिया